उधर दिल्ली में बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल ने आरएसएस पर किताब लिखी है। किताब का नाम बिल्डिंग इंडिया थ्रू शॉर्ट इंडिया है। किताब में संघ के कई अनछुए पहलू को दिखाया गया है। बता दें कि सुधांशु मित्तल ने अपने बालकपन से ही संघ को अपना लिया था, जिसके बाद में वो एबीवीपी और फिर बीजेपी में आए। नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी के तौर पर वो जब असम गए तब उन्हें संघ के बारे में पूरी जानकारी मिली। मित्तल ने बताया कि किताब लिखने की प्रेरणा उन्हें संघ से मिले। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार संघ पर जो आक्षेप लगा रहे उससे मित्तल काफी दुखी हुए थे और उन्हें इस किताब को लिखना पड़ा। साल से संघ का कार्य से मैं बड़ा परिचित रहा हूँ। बहुत चार पांच दशक का संघ का संबंध रहा है। जब उनकी आलोचना होती है और एक संकीर्ण दृष्टिकोण से संघ को बदनाम करने की जब कोशिश होती है तो दिल बड़ा दुखता था और मुझे लगता था कि एक द रियल फेस ऑफ संघ या द अदर फेस ऑफ संघ जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है उसको दुनिया के सामने लाया जाए, वैचारिक तौर पे बदनाम करा जाए, उसको कहा जाए कि ये एक संकीर्ण सोच का संगठन है, एक नॉन सेकुलर कम्युनल संगठन है, इससे बड़ा कष्ट होता था। और इसीलिए किताब लिखी गई है ताकि संघ सही सत्य के साथ सही परिपेक्ष में रखा जा सके।